हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रनिधि हैशटैग माय लाइफ। प्रनु से हाय हाय अपने आप ही। हम जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल जयपुर। आज तक हम लोग लखनऊ में गए थे, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ जयपुर इस्कॉन टेंपल। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर। बाहर से देखिए ऐसा दिख रहा है, मैं शाम के टाइम गई थी तो प्रनु बहुत खुश हो गई थी भगवान जी के दर्शन पाके, तो ये वैसे भी खुश हो जाती हैं। ये लगी है स्टॉल, यहाँ से मंदिर में चढ़ाने के सामान आप यहाँ से ले सकते हो। ये है सिटिंग एरिया जहाँ कुछ आके, जैसे अगर बहुत लोग सिटिंग एरिया बना हुआ है खाने पीने का। हम जा रहे हैं मंदिर में। मैं एक बात कंफर्म कर दे रही हूँ, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना तो पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ भगवान जी के, मन से प्यार से दर्शन करने के बाद मैं फिर से वीडियो बनाती हूँ जिसमें हैप्पी जी मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। दर्शन करने आने के बाद फिर एंट्री करना, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं वो सब बाद में करती हूँ। पहले मैं जाते ही भगवान जी के पहले प्यार से दर्शन करती हूँ, तो मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि मैं बाद में रिकॉर्डिंग करती हूँ आराम से सब चीज़, तब फिर मैं एक एक करके दिखाती हूँ। पहले अगर मैं मंदिर में गई हूँ तो सबसे पहले हम हैप्पी जी और मेरी प्रनु दर्शन करते हैं भगवान जी के, उसके बाद ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो हमने दर्शन सब कुछ कर लिया था, उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रही थी। एंट्री मैंने दिखाई दी है, आप देखो कैसे होता है, बहुत अच्छी जगह है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इस्कॉन टेंपल मंदिर जयपुर में। कान्हा जी की जो छवि है ना, इसमें आप एक बार देख लोगे ना तो आपको यहाँ से हटने का मन नहीं होगा। और पता है जब आप दर्शन करोगे ना तो रोने का बड़ा मन होता है, तो यहाँ पे अगर आप शांति से पहले भगवान जी के दर्शन करो, फिर उसके बाद ना आप थोड़ी देर बैठो, फिर भगवान जी के ध्यान लगाओ या आपको जो भी मंत्र आता है भगवान जी का लेके अकॉर्डिंग उससे पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखो लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को झुलाया जाता है झूला, जो बहुत, इसका मैंने अलग से रील भी डाला था। प्रणु को भगवान जी को प्रणाम कैसे करते हैं, नतमस्तक होते हैं भगवान जी के सामने, हमेशा झुकते हैं। यहाँ हैप्पी जी और प्रणु वेट कर रहे थे कि उनका भी भगवान जी को झुलाने का मौका मिले उनको भी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और प्रणु बहुत, उनको बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में। प्रणु राधे राधे। राधे राधे बोल दो। राधे 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 राधे, राधा रानी जय हो। हेलो राधे राधे। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। आप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, पूरे मंदिर को कैप्चर करना चाह रही थी। और यहाँ पे ये देखिए बना हुआ है, जो कालिया लीला किए थे भगवान जी ने, कालिया नाग था उसी के फन पे उन्होंने नृत्य किया था, तो वो छोटी सी झलक यहाँ पे बनी हुई है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वेट कर रही थी हमारा। आप देखो इन यहाँ दीवारों पे ना भगवान कन्हैया जी के, कृष्ण कन्हैया जी के, राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन की कुछ झलक इतनी खूबसूरती से दर्शाई गई है ना, आप एक बार देखोगे तो देखते रह जाओगे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक एक चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। ये वृंदावन के जंगल जो इसमें दर्शाया गया है, चित्रकारी के रूप में ला के यहाँ पर रखा गया, छोटा सा झलक दिया गया है जो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसको दीवारों पे इन्होंने जो पेंटिंग की तरीके से प्रेजेंट किया है ना, दर्शाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये गोवर्धन लीला देखिए, ये भी कितने अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ देखिए भगवान जी की तस्वीर बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। ये हमारे कन्हैया, बहुत सुंदर।
तो अब हम जाने वाले हैं घर। ये रहा मंदिर, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आप आइएगा ज़रूर यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं जब आप मंदिर से बाहर जाओ तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखो, क्योंकि भगवान जी आपको फिर से बुलाएंगे दर्शन देने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं घर, बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ आइए, बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलती है। और हम देखो प्रणु को हर एक चीज़ सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे।